Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the financial accounting semester 6, and we are going to revise the basics and format of the chapter accounting for limited liability partnership, which is also called as LLP. सो आपको एल एल पी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, और वो जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन में आपको दो फॉर्मेट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्प करना है एंड हेल्प हो जाएगा. दैट विल बी रिलेटेड विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एंड द सेकेंड फॉर्मेट इज स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट. सो ये वीडियो में हम जो बेसिक फॉर्मेट है उसके बारे में बताऊंगा, और आपको किस तरीके से फॉर्मेट को रिवाइज करना है उस बेसिस पे भी आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा, सो दैट आपके जो फॉर्मेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और जो एग्जाम से रिलेटेड ये पॉइंट्स फॉर्मेट में आ सकते हैं उसके बारे में आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी. सो वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें. मैं ऐसे बेसिक्स के ऊपर वीडियो लाते रहता हूं. सो पहला पॉइंट है हमारा स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. तो स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगर हम देखें तो अभी सबसे पहले हमको इसमें लिखना है इनकम. इनकम में हमें सबसे पहले लिखना है नेट टर्नओवर. नेट टर्नओवर का मतलब होता है हमारा सेल्स. तो आपका सेल्स में से अगर कुछ रिटर्न्स वगैरह है तो सेल्स में से हमें क्या करना है, रिटर्न्स माइनस करना है. तो सेल्स में से अगर आप रिटर्न्स माइनस करोगे तो आपको नेट सेल्स मिल जाएगा, वो हम बाहर लिखेंगे. देन द सेकेंड पॉइंट इज अदर इनकम. सो अदर इनकम में वी हैव टू राइट द अदर इनकम्स वॉट एवर आर रिलेटेड, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, ये सारे इनकम्स आपके अदर इनकम में रिकॉर्ड होंगे. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन स्टॉक. इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन स्टॉक में हमें क्या लिखना है, हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लेनी है. क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू से हमें ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू माइनस करनी है. तो अगर हम क्लोजिंग में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकता है. अगर पॉजिटिव आया तो हम सीधा लिख देंगे, नेगेटिव आया तो हम ब्रैकेट डाल देंगे. तो अगर आप ये तीनों पॉइंट्स प्रॉपरली चेक करें, दैट इज नेट टर्नओवर में अदर इनकम और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन स्टॉक, तो ये आपके तीनों पॉइंट्स को ऐड करके हमें टोटल मिल जाएगा, दैट इज योर टोटल. और ये टोटल जो मिलेगा दैट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज टोटल इनकम. ये टोटल को हम टोटल इनकम भी बोल सकते हैं. दिस इज दी टोटल इनकम. तो टोटल इनकम हमें कैसे मिलता है, नेट टर्नओवर, अदर इनकम और इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक्स. तो हमें मिलेगा टोटल इनकम. फर्दर हम डिवाइड करने वाले हैं हमारे एक्सपेंसेस को. सो एक्सपेंसेस दो चार पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड फैक्टर से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. दैट इज एक्सपेंसेस बहुत सारे पॉइंट्स में डिवाइडेड है, एंड वी हैव टू राइट इंडिविजुअल पॉइंट्स इन द रेस्पेक्टिव हेड्स विच आर बीन गिवन इन द फॉर्मेट. तो सबसे पहले आपको परचेसेस लिखना है. परचेसेस में आपको जो भी परचेसेस से रिलेटेड पॉइंट होंगे, परचेस, परचेस रिटर्न, कैरिज इनवर्ड, वो सब यहाँ लिखना है. नेक्स्ट इज योर पर्सोनल एक्सपेंसेस. सो पर्सोनल एक्सपेंसेस में हमें सैलरीज, वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस, जो भी सैलरीज, रेम्यूनरेशन से रिलेटेड पॉइंट्स आएंगे वो आपके पर्सोनल एक्सपेंसेस हो जाएंगे. नेक्स्ट विल बी योर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस. एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस विल बी रिलेटेड विद ऑल दी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, आपके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आ जाएंगे. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज सेलिंग एक्सपेंसेस. वॉट एवर इज रिलेटेड टू सेल्स, सच एज बैड डेब्ट्स हो, एडवर्टाइजमेंट हो, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो, वो हमारे सारे सेलिंग एक्सपेंसेस में आएंगे. सो डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन. तो डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन में हमें क्या लिखना है, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन में हमें रिकॉर्ड करना है सारी चीज़ें जो आपके डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है. डेप्रिसिएशन ऑन वेरियस फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज इफ वी आर राइटिंग ऑन एनी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस हो, वो अगर हम राइट ऑफ कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एमोर्टाइजेशन. तो वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं. देन हमारा लास्ट पॉइंट आता है अदर एक्सपेंसेस. अदर एक्सपेंसेस को मैंने यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंसेस लिखा है. तो अदर एक्सपेंसेस के बाद हम करेंगे टोटल, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एक्सपेंसेस. तो यहाँ पे हम टोटल करने वाले हैं, तो ये टोटल एक्सपेंसेस मिलेगा. ये जो ऊपर जो पॉइंट था, ऊपर के जो पॉइंट्स में टोटल इनकम मिलेगा, और जो आपका नीचे पॉइंट है उसमें आपको टोटल एक्सपेंसेस मिलेगा. फिर हमें क्या करना है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस करना है. तो वी आर गेटिंग द आंसर प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट. सो वॉट एवर इनकम वी आर गेटिंग, वॉट एवर एक्सपेंसेस वी आर गेटिंग, वी आर गोइंग टू डिडक्ट दैट. फिर हमें आंसर जो भी मिलेगा वो हमारा पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा एज पर द PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, उस बेस पे आप प्रॉफिट्स को
पार्टनर्स में डिवाइड कर सकते हैं। देन यहाँ से जो भी वैल्यूज मिलेंगे वो पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन में आपको ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन से जो वैल्यू मिलेगी वो सीधा बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है। अब बैलेंस शीट की बात अगर हम करें तो बैलेंस शीट का भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो LLP के केस में फॉलो होता है, एंड द फॉर्मेट इज इन दिस पैटर्न। कॉन्ट्रीब्यूशन एंड लाइबिलिटीज इज द हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग इज पार्टनर फंड्स, हमें लिखना है कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड। ये कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड में हमें कौन सी वैल्यू लिखनी है, जो पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट में हमें बैलेंसिंग फिगर मिलेगा वो हम लोग यहाँ लिखेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्योर्ड लोन्स, अगर आपके क्वेश्चन में कहीं बैंक लोन डिबेंचर्स वगैरह दिया होगा तो वो यहाँ पे नोट डाउन किए जाएंगे। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में जो भी आपके शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होंगे, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो, कोई शॉर्ट टर्म लोन दिया है आपके क्वेश्चन में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड होगी। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स ऑब्लिक ट्रेड पेबल्स, तो ट्रेड पेबल्स में आपको बिल्स पेबल भी रिकॉर्ड करना है एज वेल एज आपको क्रेडिटर्स भी रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म प्रोविजन्स, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन्स में वी हैव टू रिकॉर्ड the balances related with the short term provisions which includes provision for tax, proposed dividend, ये सारे points भी वहाँ पर record किए जाएंगे, that is called short term provisions, and the next answer becomes your total. So these are all points related with your liability side. तो liabilities में we have contribution received, then we have the liabilities which includes secured loan, short term borrowings, creditors, trade payables, short term provisions, and then the total of your liability side we will get. Then the points of assets arises. Assets में सबसे पहले आपको लिखना है gross fixed assets less depreciation and amortization, तो आपको मिलेगा net fixed assets. तो आपको assets के बारे में detail लिखना है, यहाँ पे depreciation minus करके हम बाहर के column में net assets, net fixed assets लिखेंगे. Then the next point is loans and investments. तो investments में आपके investments जो भी कंपनी ने किए हैं वो सारे रिकॉर्ड होंगे. Then the next point is loans and advances. तो आपके loans and advances में जैसे prepaid है कुछ, तो अगर कुछ prepaid tax रहा, prepaid salary रहा, तो उसका जो second effect हम देते हैं balance sheet asset side में वो यहाँ loans and advances में आएगा. Next is inventories. Inventories is closing stock. तो closing stock आपको लिखना है जो आपके एडजस्टमेंट में दिया होगा, इसका एक इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन स्टॉक में आएगा, और सेकंड इफेक्ट आपका आएगा इन्वेंट्रीज में. नेक्स्ट इज डेटर्स ऑब्लिक ट्रेड रिसीवेबल्स, तो यहाँ पे आपको डेटर्स लिखना है और ट्रेड रिसीवेबल्स के हेडिंग में डेटर्स भी रिकॉर्ड होगा, और एज वेल एज बिल्स रिसीवेबल अगर आपकी क्वेश्चन में है तो वो भी रिकॉर्ड होगा. नेक्स्ट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में यू हैव टू राइट कैश, बैंक एक्सेट्रा, एंड देन द लास्ट पॉइंट अराइजेस टोटल. तो दीज आर ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू योर बैलेंस शीट असेट साइड. तो अकॉर्डिंगली अगर आप चेक करें तो फॉर्मेट काफ़ी इजी है, लेकिन LLP का जो क्वेश्चन आएगा पेपर में वो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये दोनों फॉर्मेट्स बनाने पड़ेंगे, देन आप पोस्टिंग कर सकते हैं. बट आप जितनी भी पोस्टिंग LLP के फॉर्मेट के केस पे करेंगे उस बेस पे आपको पोस्टिंग के मार्क्स मिलेंगे. सो यही थे बेसिक्स अबाउट दी LLP फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट आपको यूज़ करना है फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन रिलेटेड टू LLP, और जितने पोस्टिंग्स आप प्रॉपरली पोस्ट करेंगे उस बेसिस पे आपको उसके मार्क्स मिलेंगे. इसीलिए अगर अमालगमेशन के ऑप्शन में अगर ये चैप्टर आया तो ये चैप्टर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिकॉज फाइनल अकाउंट्स आपने पहले से सॉल्व किया है. अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना. एज ऑलवेज टिल देन, बाय बाय, वर्क हार्डर, बी स्मार्टर.